प्यारे दोस्तों, बंटवारा किसी चीज का भी हो, सुखदायक तो होता नहीं। ये बंटवारा कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। अरे जी सुनते हो, क्या करें, अब यहाँ 6 प्लेट का भी बंटवारा होगा। अरे तो तुम क्यों चिंता कर रही हो, बस बैठो और ड्रामा देखो। पता नहीं इस आदमी को कौन सी मिट्टी लगी है। अरे क्या ड्रामा देखे, यहाँ तो अपने घर का ड्रामा बना पड़ा है। लो जी तो जाओ, जाकर जलती पे और तेल डालो, घर का बंटवारा होना इतना आसान नहीं होता। अरे भगवान चिंता मत करो, बंटवारा कोई इतना आसान नहीं होता, ये बटते बटाते साल लग जाएगा। तभी घर के आंगन से आवाज आती है। अरे देवरानी जी, बोले दे रहे हैं हम, ये तार पूरे 5 मीटर की है, पूरे 2.5 मीटर हम लेंगे, पूरी तार में से 1 फुट नहीं देंगे आपको जेठानी जी, ये तार हमरे पति लाए थे। हाँ हाँ देवरानी जी, जानते हैं हम आपके पति ये तार कहाँ से लाए थे, पड़ोसन के घर के बाहर से चुरा कर लाए थे ना। अरे चाहे जहाँ से भी लाए हो, आपको इससे क्या मतलब, बस हम नहीं दे रहे ना आपको आधा। अरे तो दे दो ना, क्यों इतना बवाल मचा रखा है, एक कपड़े सुखाने की तार ही तो है, दे दो सारी। अरे तो आधी तार दे देंगे तो आधी तार पर हम क्या सुखाएंगे, उस पर पजामा तो पूरा आएगा नहीं। अरे तो इसमें हमारा क्या कसूर, पहनना गीला पजामा, ये तुम्हारी दिक्कत, हम तो आधा तार लेके ही रहेंगे। बस इसी तरह घर की हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई रोज का मामूल बन गई थी। अरे जी क्या हुआ, आज सुबह आटा छलने की छन्नी पर बहस हो गई। हाँ जी, छलनी को दोनों आधा आधा तोड़ चुकी हैं, बंटवारा हो गया छलनी का भी, अब ना उसका आटा छलना है और ना उसका, खाइएगा मोटी मोटी रोटियां। अभी तो तुम देखती जाओ और क्या क्या होने वाला है इस घर में। भाई बंटवारे तो बहुत होते देखे हमने, पर ऐसा बंटवारा जिंदगी में ना ही देखा हमने कभी। सुसर को सास की बात सही लगती है। अरे जी अब क्या था, पूरा मोहल्ला तुलसी के घर का तमाशा देख रहा था। अरे छोटी बहू, ये पूरे घर का जो कचरा निकला है वो कैसे फेंकोगी तुम? ना तो हम आधा फेंकेंगे ना, आधा तो वो फेंकेगी जिनका घर है। तभी बड़ी बहू भी निकलती है। अरे काहे को फेंकेंगे हम तो ना फेंकेंगे एक पत्थर भी, ये कचरा हमने थोड़ा ना बखेरा है। अरे बच्चे तो तुम्हारे छोटे हैं, कचरा तो वही फेंकते, हम थोड़ा ना फेंके जो आधा कचरा हम फेंके। देखो दीदी, जबान उतने ही खोलो जितनी बंद करने की औकात हो। जरा फालतू बात मत करना, पड़ोसन तो बस दोनों के बीच आग लगाकर निकल जाती है और फिर ड्रामा एंजॉय करने सारा मोहल्ला आ जाता है। लो जी आज के मनोरंजन का इंतजाम तो हुआ पड़ा है, क्या मजा आ रहा है। हाँ मजा तो बहुत आ रहा है, देखो ना दोनों एक दूसरे के कैसे बाल नोच रही है। सास जैसे ही बाहर आती है, देखती है कि पूरा मोहल्ला उसकी बहुओं की बेवकूफियों के मजे ले रहा है। अरे करम जलियो, पढ़ी लिखी तो बिल्कुल नहीं हो क्या, देखो कैसे सारा मोहल्ला चटखारे ले रहा है। अरे मौसी रहने देना, ड्रामा चलता रहने दे, नई नई बहू आई है मेरी, उसी को दिखाने लाई हूँ। जल्दी से ये झगड़ा सिमट गया तो ये क्या देखेगी, और ये क्या बात हुई। अरे वाह जमना, झगड़ा ही देखना है तो अभी देख लो। अरे तुम जो अपनी बहू की हर वक्त बुराई करती रहती हो, अरे टकली बहू है, नकली बाल लगाकर शो मारती है, ये क्रीमें लगाकर गोरी हो जाती है और फिर हीरोइन समझती है खुद को, अरे ये सब क्यों बोलती हो इसके लिए। तो अब क्या था, अरे देवरानी जेठानी का ड्रामा ब्रेक और नया ड्रामा लग जाता है सास बहू का, और सारा मोहल्ला एक नई नौटंकी देखने लग जाता है। और तुम दोनों चलो दोनों अंदर, जो भी बंटवारा करना है घर के अंदर करो, के बाहर के कचरे को म्यूनिसिपैलिटी वाले खुद ही देख लेंगे। सास की कड़ी फिटकार खाने के बाद
दोनों देवरानी जिठानी अंदर आ जाती हैं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।